हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप सारे अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HVAC एक्सपर्ट। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है OLR यानी ओवरलोड रिले को OLR कहते हैं, इसको थर्मल ओवरलोड रिले भी कहते हैं। गाइस, ये जनरली मोटर को प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है OLR। और इसका फंक्शन, इसका वायरिंग कनेक्शन तो मैंने दिखा दिया है। इसका मेन फंक्शन है अपना मोटर को प्रोटेक्शन करता है, मोटर को प्रोटेक्शन ओवरलोड से करता है। मतलब जो भी रेंज रहेगा मोटर का एम्पियर के लिए, उससे अगर रेंज से ऊपर एम्पियर लेगा, अगर एम्स हाई एम्स जाएगा मोटर, तो उसको प्रोटेक्ट करेगा कटआउट करके अपना पावर को। और ओवर हीटिंग से भी अपना प्रोटेक्ट करता है, ओवर हीट नहीं होने देगा। अगर ओवर हीट होगा तो भी ये कटआउट करके अपना यहाँ से ओवरलोड से पास नहीं होने देगा पावर सप्लाई। तो ये इसका फंक्शन। अगर फेस फेलियर भी होता है इनकेस, तो भी इससे कटआउट कर देगा। तो ये इसका फंक्शन है अपना ओवरलोड रिले का। इसके लिए मोटर को प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ओके गाइस, ये वायरिंग भी मैंने बना रखा है यहाँ पे अपना, इसका वायरिंग कनेक्शंस अपना ओवरलोड रिले का। ये इनकमिंग पावर सप्लाई जो भी मोटर का जो रिक्वायरमेंट रहेगा, इनकमिंग पावर सप्लाई इधर से दिखा दिया है MCB के थ्रू। ये मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर, कभी भी ये अपना OLR जो है विदाउट मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सेटिंग जो है ना पास करने का मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के थ्रू ही जा सकता है अपना। ऑफ ओवर ऑन ऑफ जो है मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर करेगा, यहाँ से ऑन ऑफ होता है। तो कुछ ये OLR, ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये डैनफॉस का है मेरे पास। ये OLR है, ये एक्चुअली ये ऐसे अपना सेट होता है। ये मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है, ये मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर में ये कुछ इस तरह से ये सेट हो जाता है। ये जो पॉइंट है ना, ये पावर सप्लाई यहाँ से पास होगा इसका, यहाँ से ये कुछ ऐसे सेट हो जाएगा। इसको अभी टाइट करके अपना बराबर कर सकते हैं। इसमें ये इसके अंदर है ना, ये OLR में ये रेंज सेटिंग है। जो भी आपका मोटर का रेंज रहेगा ना, तो ये यहाँ से कुछ सेटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से कम ज़्यादा जो भी आपका रेंज रहेगा मोटर का, वो हिसाब से यहाँ से सेट कर सकते हैं। नॉर्मली ये मेरे पास जो है ये डैनफॉस कंपनी का है। ये रिसेट बटन है, अगर कुछ ये हुआ तो ये T1, T2, T3 अपना मेन लाइन पास करने के लिए ये पॉइंट है, ये आउटपुट है इसका। मोटर को जो ये देगा आउटपुट, यहाँ से इनपुट रहेगा अपना मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर का। तो ये जनरली स्नाइडर में आपको थोड़ा डिफरेंट, इसका दूसरी कंपनी का अगर कोई देखेंगे तो वर्किंग इसका सब सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट मिल सकता है ABB का हुआ या कोई और। पर उसका ये बैठने का सब सिस्टम सेम रहेगा, वायरिंग भी सब सेम रहेगा, जस्ट वनली स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंट रहता है। उसमें सेटिंग उसका कुछ क्लॉक टाइप में रहेगा, उसको एडजस्ट करने के लिए कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सबका काम ऐसे ही सेम रहेगा। इसका वायरिंग पे अभी देखते हैं हम लोग। वायरिंग इसका जो है ना 95 और 96 नंबर इसके अंदर भी है। जो कोई भी आप ओवरलोड रिले देखेंगे, उसमें यही सिस्टम 95 और 96 के थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी होता क्या है, अभी ये इनकमिंग पावर सप्लाई सीधा नीचे मोटर को जा रहा है ना। अभी अगर कुछ भी आपका मोटर हाई एम्स हुआ किसी भी वजह से, चाहे फेस फेलियर की वजह से भी हो सकता है, या शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ, या और भी किसी वजह से अगर मोटर हाई एम्स ले रहा है, तो ये यहाँ से कट कर देगा। ये 95 और 96 को जो है ना ब्रेक कर देगा। ये NC जो लिखा हुआ है इसको NO कर देगा, यहाँ से ये कट हो जाएगा और ये पास नहीं होने देगा A2। ये इसको एनालाइज नहीं होने देगा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को, फिर ये पावर सप्लाई इधर से कट हो जाएगा, फिर आगे पास नहीं होगा। इसका यही फंक्शन है, ये मेन इसका वायरिंग यही जो है 96 और 95 जो है ना ये कंट्रोल करता है। ये 230 वोल्टेज मैंने लिया, A1 को डायरेक्ट कर दिया, और लाइन का जो है ना 96 में जाकर फिर 95 के थ्रू ये इधर जा रहे हैं। तो ओवरलोड रिले जो है यही पास कंटिन्यू करते रहेगा जब तक नॉर्मल में रहेगा बराबर, मतलब मोटर वगैरह सब बराबर चलते रहेगा। तो अगर कुछ भी अनबैलेंस हुआ, मोटर हाई एम्स हुआ किसी भी वजह से, लोड अगर बढ़ता है, तो
तो यहाँ से ये कट कर देगा, फिर आगे आपको पास नहीं करेगा। तो ये इसका फंक्शन है। और ये मैंने ट्रांसफार्मर वगैरह भी दिखाया, अगर इनकेस आपके पास मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर का जो है ना 24 वोल्टेज का है इनकेस, तो ये इस तरह से इसमें आप कर सकते हैं। इसमें 95 और 96 दिखाए हैं, सेम A2 और A1 जो है 24 वोल्टेज से भी कंट्रोल कर सकते हैं इसका। ये इससे मतलब कोई वोल्टेज से मुश्किल नहीं है, मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर जो भी वोल्टेज का रहेगा वो हिसाब से आप इसको मतलब दे सकते हैं, वो वोल्टेज ऑपरेट करिए। जस्ट मनली वोल्ट फ्री कॉन्टेक्ट भी इसमें दे सकते हैं, इसमें कोई वो इशू नहीं है। कोई भी वोल्टेज आप दीजिए, जस्ट ये कट आउट के लिए यूज़ होता है बस, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी वोल्टेज आप दे सकते हैं, अगर 230 वोल्टेज का है लाइन तो 230 का दीजिए, 24 का है तो 24 का भी दे सकते हैं, अगर 120 का है तो भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। तो ये रहा वायरिंग, आप ये क्लियर है वायरिंग मोटर का भी, और ये OLR का वायरिंग है, मैग्नेटिक हो गया। ओके गाइज, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इनकेस नहीं भी आया समझ में तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बता दीजिए प्लीज़। अगर कुछ भी रहेगा तो मैं इंशाल्लाह क्लियर करूँगा, अगर नेक्स्ट कुछ अगर बाकी रहा तो गाइज। ओके गाइज, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करिए अगर पसंद आया तो, और लाइक कमेंट भी ज़रूर करके बताइए कमेंट करके मुझे कि कैसा लगा वीडियो आपको। ओके गाइज, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ये रहा आपका मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर और रिले कुछ इस तरह से। चलो।